तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में। बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आई है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की हलचल तेज हो चुकी है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू करने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और उनके मुताबिक इसे लेकर बनाई गई कमेटी ने अपना ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि नए साल में इसे लागू किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में ये बड़ा बयान दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे अगले साल यानी कि नए साल पर उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। जो भूमि उत्तराखंड की दिवस में जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर कानून बनाने के लिए काम करेंगे। और मैं आप सबको बताते हुए कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी ही नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसे लागू करने से आखिर होगा क्या। दरअसल इस कानून का सीधा सा मतलब है देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना। मतलब ये कि इस कानून के लागू होने के बाद चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति, सभी के लिए कानून एक होगा। और अगर इसे लागू किया जाता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। यहाँ ये समझिए कि देश में गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इसे लागू अभी तक किया जा सका है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, अब से कुछ ही दिन में भारतीय नौसेना को उसका बेहद ताकत जंगी जहाज INS इम्फाल मिल जाएगा। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना को ये जंगी जहाज सौंपने वाले हैं। तो भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है, ये ताकत बढ़ने वाली है। INS इम्फाल नौसेना में शामिल होगा, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर में मुंबई में ये कार्यक्रम शुरू होगा जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी होगी और INS इम्फाल को ये सौंपने वाले हैं भारतीय नौसेना को। INS इम्फाल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। ये ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है और इसीलिए पाकिस्तान और चीन की नींद अभी से उड़ गई है। दरअसल युद्धपोत इम्फाल सतह से सतह पर मार करने वाली खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। इस पोत की लंबाई 164 मीटर है, बंदरगाह और समुद्र दोनों ही जगहों पर इसकी ताकत परखी जा चुकी है। इस शक्तिशाली युद्धपोत ने पिछले महीने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और नौसेना में इसके शामिल होने से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता मजबूत होगी।